भारत के महान संत और समाज सुधारक कबीर दास ने भक्ति आंदोलन पर काफी प्रभाव डाला था। कबीर शब्द अरबी भाषा से आया है। अरबी भाषा में अल कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय परंपरा के मुताबिक वह 1398 से लेकर 1518 तक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि गुरु नानक और सिकंदर लोदी भी उनके समकालीन थे। जिस समय कबीर का जन्म हुआ था उस समय देश की स्थिति बेहद गंभीर थी। एक तरफ मुसलमान शासक अपनी मर्जी से काम करते थे, वहीं हिंदुओं को धार्मिक कर्म कांडों से फुर्सत नहीं थी। जनता में भक्ति भावनाओं का सर्वथा अभाव था। पंडितों के पाखंडपूर्ण वचन समाज में फैले थे। गरीब और अमीर में फर्क साफ दिखता था। ऐसा कहें कि गरीब को उस जमाने में इंसान की श्रेणी में ही नहीं माना जाता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे समय में संत कबीर ने समाज के कल्याण के लिए दोहे रचे। कबीर की वाणी को हिंदी साहित्य में बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। दूसरी ओर सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर वाणी को शामिल किया गया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से है। बीजक पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर दास ने आम जनता के बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया और इस तरह वे जनमानस तक पहुंच गए। प्रचलित जनश्रुति के मुताबिक कबीर का जन्म काशी के लहरतारा नामक जगह पे हुआ था। वे एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें एक गरीब मुस्लिम जुलाहे के परिवार ने पाला। कबीर की माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। वैष्णव संत रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाया। अपने दोहों में कबीर खुद को ब्राह्मण नहीं बताते, बल्कि खुद को कई जगह पे जुलाहा कहते नजर आए हैं। आपका ब्राह्मण दिल्लगी बाज है, हंसी मजाक करने वाला है, उसे दान मत दो। वह अपने यजमान और सैकड़ों कुटुंबियों के साथ नरक में जाता है। कली का बामण मस्खरा, ताही न दीजे दान, सौ कुटुंब नरक चला साथ ही लिए जजमान। अगला दोहा है, माली आवत देखी के कलियां करें पुकार, फूली फूल चुनी गई काली हमारी बारी। यानी मृत्यु रूपी माली को आता देख अल्प वय जीव कहता है, है मन के जीते जीती, कहे कबीर हरी पाई ये मन की ही प्रतीति। कबीर कहते हैं मन के हारने से हार होती है और मन के ही जीतने से जीत होती है। अपना मनोबल सदैव ऊंचा उठाए रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल, आवन जावन वह रहा ज्यों कीड़ी का नाल। बेटा पैदा होने पर हे प्राणी थाली बजाकर क्यों इतनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हो। जीव तो 84 लाख योनियों में ऐसे ही आता और जाता रहता है जैसे जल से युक्त नाले। छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पांव के तले ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। इसीलिए कबीर कहते हैं तिनका कबहू न नींदिए जो पांव तले होए, कबहू उड़ आँख में परे पीर घनेरी होए। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों कबीर के सामने साक्षात खड़े हैं। कबीर दुविधा में है किनके पांव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान है। कबीर कहते हैं कि गुरु ही बलिहारी हैं जिन्होंने परमात्मा से हमारा मिलन कराया है, अर्थात गुरु ही बड़े हैं। पहले मैं गुरु का ही पांव लगूंगा, क्योंकि उनके कारण ही गोविंद यानी परमात्मा से मेरा मिलन हुआ है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हाँ लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वहीं धर्म है, जहां लोभ है वहीं पाप है, जहां क्रोध है वहां नाश है, और जहां क्षमा है वहीं तो आप हैं। यानी भगवान के बारे में कह रहे हैं कि जहां क्षमा है वहां स्वयं भगवान है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा ऋतु आए फल होए। धन्यवाद।